नमस्कार दोस्तों, और पेश बंसल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूं। खबर अबोहर के सीतोगुनों से आ रही है। यहां का सरकारी अस्पताल खुद बीमार है। लोगों का इलाज करने वाला यह अस्पताल अपने हाल पर आंसू बहा रहा है। यहां पर न तो पूर्णतः डॉक्टर है, न ही स्टाफ के कर्मचारी। इसके अलावा यहाँ पर लोगों की सुविधाओं के लिए लगाया गया साजो सामान भी खराब है। आरबी लाइव मीडिया पर हमारे संवाददाता राकेश वर्मा की यह रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। यूं तो स्वास्थ्य विभाग बड़ी बड़ी डींगे हाँकता नजर आता है, लेकिन सीएमसी सीतोगुनों में इसका नजारा विपरीत ही है। लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला अस्पताल खुद बीमार है। यहाँ पर पिछले काफी समय से डॉक्टरों, सफाई कर्मचारी व स्टाफ की कमी के साथ साथ अस्पताल में कई तरह की कमियां नजर आ रही हैं, जिसके चलते आज सरकारी अस्पताल का दौरा किया गया तो यहाँ पर विभिन्न कमियां नजर आई। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर लोगों को परेशानी पेश आ रही है। अस्पताल के चारों तरफ गंदगी का आलम है। इसके संबंध में जब डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह एक चिंताजनक विषय है, जिसके संबंध में वे सिविल सर्जन के साथ मीटिंग करके मांग उठा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से डॉक्टर द्वारा जानकारी दी जा रही है। आरबी लाइव मीडिया पर आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। बार सफाई भी है, गेट टूटा पे है, तो स्टाफ की कमी है ना, सारी स्टाफ की कमी है, है। पिछों की कितने फंड भी नहीं आ रहे है साडे कोल। जनरेटर बंद पनरेटर कोई भी 20,000 रुपया चाहिए है स्टार्ट करने चलाते। फिर तेल भी चाहिए 8 लीटर घंटे का तेल, करके फिर जो है बीमार जो कमियां रह गियां। हुण पानी की समस्या हैगी है, ठीक है। वाटर बॉक्स का पानी नहीं आ रहा, आ रहा तो गंदा आ रहा है, ठीक है। असि किवें ना किवें करके मैनेज कर रहे हैं। ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਆਪੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਗੂਟ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਗੇਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾ ਲਓ ਭਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੰਡਸ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫੰਡ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 8 ਤੋਂ 8 ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਸਟਾਫ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਥੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਐਨਐਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ।